उतरने वाला 7 बजे गिरेगी। अरे हटो यार गार्डन वाले। मैम यहाँ पे अरे कैमरा हटो ना, फ्रेम में आ रहा है। जानवी जी इधर काफ़ी कूल फील कर रही हूँ मैं। इतने ऑफिशियल पैनल पे इतने ऑफिशियल लोगों के साथ मैंने एक डिस्कशन किया, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। इन लोगों से इतना कुछ सीखने को मिला है, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन के, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यू नो एवरी वन इज़ वर्किंग सो हार्ड, और उनके एम्बिशन को देख के मैं मोटिवेट हो रही हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेज़ एक्सपीरियंस। अच्छा, सॉरी यू हैव टू रिपीट योर क्वेश्चन। क्या इम्पोर्टेंट टेक अवे था मेरा, बस यही कि हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और यू नो हम सोचते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसान भी इतना ही कर रहा है, शायद आपसे ज़्यादा कर रहा है। सो यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके काम से ज़्यादा और कुछ मायने नहीं रखता है। And yeah, it's a lovely time I think to be in the industry with all of these lovely people. क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं बहुत बात कर रही हूँ और मैं ना कॉन्शियस हो जाती, क्योंकि एक बार मैं शुरू हो जाती तो मैं बंद ही नहीं होती। तो इसलिए शायद कभी कभी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैं बात करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, क्या 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 नो 100% उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने ये बहुत बार कह चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग कह दूँ इस बार। लेकिन वो मुझे हमेशा कहती थी कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके दिल के अंदर है, वो हमेशा चेहरे पे दिखता है। तो अंदर से एक अच्छा इंसान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए, क्योंकि आपका रूह हमेशा कैमरे के सामने कैमरा पकड़ लेता है। तो हाँ,